तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो अपनी गाय को खोल दे चारा खाने के लिए, और जो अपना रात को जो चारा यहाँ पे डाला था उस सबको इकट्ठा करके जला दिया है अंदर ही। जो थोड़ा वो धुआं होगा, जो मच्छर होंगे वो भाग जाएंगे, इसलिए उसमें आग लगा दी थी, बाहर नहीं निकाला। और अपनी सभी गायों को थोड़ा वो हरा चारा रात को जो बच गया था, ज़्यादा कुट्टी हो गया था तो सुबह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद इनको खेत में खोल देंगे चरने के लिए, या फिर सूखा चारा डाल देंगे, वो घर से आने के बाद पता चलेगा। अभी तो मैं अकेला फार्म पे, तो उनके इंतज़ार के अलावा हम कुछ और कर सकते नहीं। और विक्रम यहाँ पे चारा खा रहा है बांध का, छोटा भाई लेके आया था सुबह में, तो ये विक्रम भी खाएगा और बूढ़ी गाय भी खाएगी। आज वसुधा नहीं है यहाँ पे, तो वसुधा यहाँ पे चारा नहीं आएगी खाने। बूढ़ी गाय इस साइड में खा रही है, दवाई लगाना बाकी है तो इसको अभी दवाई लगानी पड़ेगी, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। और इन दोनों को भी बांध का चारा दे दिया है, लगेगा तो और दे देंगे। और इस साइड में है चुटकी, चुटको और महाराज, उन तीनों को सूखा डालना पड़ा, हरा चारा कम था। और वसुधा सॉरी अपनी जो कपिला है वो यहाँ पे चली गई है नींबू के पेड़ के नीचे अकेले, आज कहीं चली ना जाए इस पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि दो चार दिन से वो फार्म पे बैठ रही थी, आज इस साइड का रास्ता पकड़ा है तो दो बारिश वाली घास में भी गुम हो गई थी वो, तो ढूंढने के बाद मिल गई थी। लेकिन आज अगर फिर से गुम हो गई तो आज मजदूर भी है बाजरे को काटने के लिए, तो इसको काम करे या इसको ढूंढते फिरे, तो इसको थोड़ी नज़र रखते, अगर लगे भाई ये कहाँ जा रही है तो इसको हम बांध देंगे आज, अगर नहीं जाएगी तो कहीं खुला रखेंगे। तो अपनी दूध वाली गाय कपास के खेत में आ चुकी है, चाचा जी संभाल रहे, और देखो भाग दौड़ इतनी नहीं है, आराम से चल रही है, क्योंकि उनको फार्म के अंदर भी खुले रहने की आदत है, तो बंद के रहती है तो ज़्यादा भाग दौड़ करती है, खुली है तो उनको पता ही है। ये देखो ये वर्षा, देखो ये ऐसे थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा कुछ नहीं, और भाग के भी कहाँ जाएंगी, वो बाजरे सामने वाली भी अपनी है, वो यहाँ भी जाएगी तो अपना ही खेत है, यहाँ भी जाएगी तो अपना ही खेत, लेकिन ज़्यादा कहाँ जाएगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा इतने आस पास में। बैलों को दो बैल है तो उनको बांध दिया है, मैं चारा लेने के लिए गया था तो चारा लेके आ चुके हैं, बैलगाड़ी छोड़ दी तो दोनों बैलों को यहाँ बांध दिया है। और सभी गाय खुली है, सात गाय है यहाँ पे खुली, बाकी उस वाले फार्म की इनको बांधने के बाद लाएंगे, क्योंकि उनके और इनकी बीच में झगड़ा पहले से ही है, तो ज़्यादा और झगड़ा करेंगे, भागदौड़ होगी, इसलिए उनको नहीं लाए। मेरा खाना भी बाकी है, ये देखो तो अपनी बूढ़ी गाय को अभी कर दिया है पलटी, और दवाई भी लगाने का काम पूरा कर दिया है। और अभी उसको मैंने सामने वाली घास में से छोटी वाली घास लेके आया हूँ मैं, वो उसको डाली, वो खा रही है। और इस साइड में आरती और गुड़िया को भी दी है, तो गुड़िया खा रही, आरती बैठी हुई है, कपिला भी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम कर रही है। विक्रम, चुटकू, चुटकी और महाराज चारों उधर बैठे हैं, उनका भी आराम चल रहा है। और फार्म के अंदर की सफाई अभी कर ली है मैंने, जो गोबर पड़ा होता वो उठा लिया, और अपनी गाय को सभी को बंद कर दिया। ये अच्छे है, चारा नहीं खा रही थी और भाग दौड़ करने लग गई थी और ज़्यादा उछल कूद कर रही थी, तो इन सबको कर दिया वापस से बंद फार्म के अंदर। और उस वाली फार्म की गाय अभी खोली है चरने के लिए, तो चाचा जी वहाँ पर रुके हुए, तो अभी जाते हैं चाचा जी के पास, यहाँ के पूरे काम कर लिए, उस वाले फार्म के भी काम कर लिए। अभी सिर्फ दोपहर को अपने बुढ़िया को पानी पिलाना है और बच्चों को पानी पिलाना है, और वहाँ कोई काम नहीं बाकी अभी सिर्फ। और यहाँ पे इनको भी चरा रहे, इनका भी काम चराने के बाद इनको भी बंद कर देंगे फार्म के अंदर पानी पिला के, फिर दोपहर के बाद खोलेंगे। कल चाचा जी फार्म पे नहीं थे, उनको 12 बज गए थे फार्म पे आने में, बाहर गए थे वो, और आज पिताजी गए हैं, तो पिताजी को तो टाइम लगने वाला है, वो भी कितने बजे तक आते हैं पता नहीं, अभी 11:30 बज चुके हैं, तो आएंगे फिर बाकी जो काम है तब होंगे। ये देखो अभी उस वाली फार्म की गाय चल रही है, बैल बच्चे छोटे सभी हैं, और सामने चाचा जी खड़े पेड़ के छाँव में, ये अपने चीकू के पेड़, एक वो बैल के पास एक यहाँ पे, और चाची जी और छोटी बहन कपास निकाल रहे खेत में का, अपनी गाय चराने के लिए खाली करना है खेत जल्दी जल्दी। तो ये देखो ये चर रहे सभी यहाँ पे, और इस साइड में देखो
थोड़ा बहुत जो सफ़ेद दिख रहा है वो कपास बाकी है, वो निकलने के बाद भी ये वाला खेत भी पूरा खाली हो जाएगा। और सामने चाची जी और छोटी बहन निकल ली, वहाँ तक खाली हो गया, वहाँ तक अपनी गाय चर रही, उससे आगे बाकी है। चल सुमन, चल सुमन, चल सुमन, चल 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 सुमन, चल चल सुमन, तो अपनी बुढ़ी गाय खा रही कपास के फल, इसमें से ही कपास निकलती है, तो अपना खेत खाली हो रहा है। तो मैं कपास के फल फल तोड़ के लेके आया हूँ अपनी बुढ़ी गाय के लिए, कढ़ाई में रखी है, वो अभी वहाँ से खा रही है, आधी कढ़ाई है, इतना अगर खा लेगी तो पेट उसका फूल जाएगा, पूरा पेट भर जाएगा। फिर थोड़ी देर उसको पलटी कर देंगे, जितना खाना है वो खा ले। और इस साइड में आरती, गुड़िया और कपिला, इनको भी हरा चारा है लेकिन ये खा नहीं रही, अभी थोड़ी देर बाद इनको पानी पिलाएंगे। और इस साइड में है बहुत सारे बच्चे, एक एक करके सभी को दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बाहर रह गए थे और कुछ को हमने बाहर छोड़ दिया था, उस वाले फार्म पे भी बाकी सबको बंद कर दिया है। और यहाँ पे विक्रम, चुटकी, चुटकू और महाराज और वसुधा, ये पाँचों है यहाँ पे। और जो मेरे सामने दिख रहे हो देखो, सो एक जो बच्ची है ऊपर दिख रही है सामने, ये वसुधा की दोस्त है, तो वो भी वसुधा की जैसी है छोटी सी, तो उसको भी बाहर ही रखा था, उसको भी फार्म के अंदर बंद नहीं किया था। तो ये दोनों खुले थे और यहीं पे थे दोनों, लेकिन वसुधा आदत होगी तो इनके साथ रह रही है, उसको आदत नहीं है तो वो उस वाले फार्म पर जाने की कोशिश कर रही है बार बार, यहाँ पर नहीं आ रही। और जो एक नीचे है बड़ी बच्ची, उसका नाम है सुमन, तो वो अपनी बूढ़ी गाय को डर के फिर से वापस से खेत में भाग गई थी कपास के, तो फार्म पे नहीं आ रही थी वापस, तो अभी वो थोड़ी देर पहले अपने आप आ गई और फार्म तो बंद कर दिया तो बाहर रह गई, तो ये बाहर ही घूम रही, उनके पास भी नहीं जा रही और इस इनके पास भी नहीं आ रही, और बीच में यहाँ पे चारा खा रही। और ये छोटी बच्ची एक, तो ये तो खुली है तो इसको हम नहीं छोड़ा है बाहर, तो यहाँ पर खा रही है, ये वाली घास भी खा लेगी छोटी बहुत, तो इसका पेट भर जाएगा। और थोड़ी हट्टी वट्टी भी कम है। और विक्रम आ रहा है, देखो विक्रम को भी अभी इनसे मिलना पड़ेगा, और इसका पेट फुल है क्योंकि ये उस वाले फसल में कपास के अच्छे से खा रही थी, और यहाँ पे इसको बंद नहीं किया तो खुली है, तो यहाँ पे भी आ गए वापस। विक्रम अभी इनके साथ रहेगा, वसुधा वहाँ पे है, तो जाएंगे तो कहीं नहीं है। और ये सीधा उधर की साइड, ये फार्म है अपना, अंदर में है बड़े सभी बंद और ये खुले हैं, तो कहीं जाने वाले नहीं, तीन यहाँ पे और वसुधा वहाँ पे। तो अपनी बुढ़िया को वापस से पलटी कर दिया है, और वो जो मैं लाया था उसके लिए कपास के फल, उसने वो उसमें से बहुत सारे खा लिए, कुछ ही बचे थे 10-15, तो मैंने दूसरे अपनी गायों को दे दिए। और इसमें मैंने सूखा चारा रख दिया कढ़ाई में फिर से, और वो तो उसमें से खा रही है थोड़ा,
इसको पलटी करने के बाद थोड़ी और दवाई लगानी पड़ी। और इस साइड में अपने तीनों छोटे शैतान आरती, गुड़िया और विक्रम सूखा चारा खा रहे हैं ये भी, तो इनको भी मैंने हरा दिया था सुबह, उसके बाद मैंने और सूखा दे दिया, पानी पिलाना काम हो गया इनको। और यहाँ पे चुटकू, चुटकी और महाराज उनके साथ है, कपिला छोटी और जो वसुधा थी अभी उस वाले फार्म पे चली गई है, तो यहाँ पे एक बच्ची कम हो गई, उसके साथ ही जो बच्ची थी वो भी चली गई। और अभी चाचा जी उनको दूसरी जगह ले गया चराने, अपने खुद के खेत में नहीं लाए वो कपास में, क्योंकि वो चर नहीं रहे थे ठीक से, हवा भाग दौड़ कर रहे थे, तो चाचा जी दूसरी जगह ले गए। और अभी हम करना है फार्म के पूरे काम, और इसको भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं, शाम को इसको सिर्फ दूध पिलाना है। विक्रम वहाँ पे आ गया और यहीं पे घूम रही, इसको पता ही नहीं चला कि विक्रम कब गया, यहाँ पे खेल कूद कर रही थी। और सुबह हम कर रहे थे इस ट्रैक्टर को चालू, अपनी बुढ़िया को खड़ा करना था, इसलिए अपना जो ट्रैक्टर है वो है घर पे, तो उसको अभी कल मजदूर आने वाले थे, आज तो आए नहीं, आज आने वाले थे, तो फिर आज ट्रैक्टर आ जाता तो अपनी बुढ़िया अपने ट्रैक्टर से खड़ी हो जाती, तो अपना ट्रैक्टर नहीं था, तो फिर इसको हमने सुबह चालू करने की कोशिश की। यहाँ पे खड़ा था ऊपर की साइड, यहाँ पे उधर वाले बांध पे एक टायर, इधर पे एक पिछला, तो इसको गियर में खड़ा किया था, तो न्यूट्रल करके इसको जैसे चालू करने की कोशिश की, तो इसको बैटरी डाउन होने की वजह से चालू तो नहीं हो पाया, तो चाचा जी उसका गियर डालना ही भूल गए। और हम जब गाय चराने गए तो अपने आप ये आगे आके अपने बैलगाड़ी में ठुक गया, तो अभी अपनी बैलगाड़ी बैठक चुकी है, तो दो तीन लोग इसको बैलगाड़ी के पहिए पीछे की साइड घुमा के भाई बैलगाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा, इसने तो पूरा बैलगाड़ी में ठुक गया, और अभी अकेले से तो हो नहीं सकता, वो इसको भी पीछे करना है, तो अपना ट्रैक्टर आएगा तो सामने से अपना ट्रैक्टर से धक्का देके पीछे पुरानी जगह खड़ी कर देंगे, और इसको भी निकाल लेंगे बैलगाड़ी को। तो ये काम भी एक अटक गया आज, काम कुछ करने और गए और कुछ और ही हो गया, तो भी कर लेते हैं फार्म के अंदर जो गोबर उठाने का काम, और अपनी गाय को भी थोड़ा जो सुबह का चारा बचा होता इनको चरने के लिए छोड़ दिया था, तो इन्होंने ठीक से उधर तो कुछ खाया नहीं, भाग दौड़ कर रही थी, तो वापस से इनको बंद कर दिया, जो बचा हुआ चारा है वही अपनी सभी गाय भी खा रही है। तो सभी बच्चे हो गए सेफ्टी रूम में बंद, और अपनी गाय को खोल दिया है, चारा इनको रात को मिलेगा हरा, अभी तो चारा नहीं है, और इसको हर टाइम बाहर निकलने की आदत है, और इसको खुराक भी मिलती है, जब सूखी खुराक लेके आते हम यहाँ रखने, तो उसी को उसी की तलाशी की मिल जाए मिलेगी, लेकिन टाइम है। और इन सबको खोल दिया तो जो सुबह का बचा हुआ है वही खा रही, क्योंकि आज जो सुबह में इनको खोला था कपास के खेत में तो बहुत भाग दौड़ कर रही थी बाद में, और चारा तो उन्होंने बहुत कम खाया, तो रात को मिल जाएगा, अभी तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। दूध निकल चुका है, पिताजी ले जा रहे हैं, अपनी बूढ़ी गाय बैठी हुई है, दवाई उसको तो हो चुकी है, अपनी बैलगाड़ी भी ट्रैक्टर में अटकी हुई थी वो भी निकाल ली है, रात को पुट्टी करके चाचा जी डालने वाले हैं, तो सारे काम हो गए। तो यही थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।